नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। राजस्थान के चुरू जिला मुख्यालय पर चुरू नयाबास में जलदायक विभाग की अनदेखी से हजारों लीटर पानी व्यर्थ जा रहा है। लीकेज की कई बार शिकायतें की गई लेकिन नतीजा शून्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रमुख वंदना आर्य व नगर परिषद सभापति पायल सैनी का भी मकान पास में ही है। वार्डवासी शंकर जांगिड़ ने बताया कि काफी दिनों से पानी लाइन लीकेज हो रही है। विभाग को बार बार सूचना देने के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं शिकायत मिलने के बाद भी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी सख्ते में नहीं है। वहीं अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहता हुआ नजर आ रहा है। संवाददाता कौशल शर्मा की रिपोर्ट। हाँ सर, ये लाइन मेन लाइन फूट गई और इन जल्द विभाग पे शिकायत भी की है लेकिन ये काफ़ी दिनों से और फूटी हुई है, कोई भी इसकी सुनाई नहीं कर रहा है। जिला प्रमुख के घर के आगे है और पार्षद जो नगर पालिका चेयरमैन है उसके घर के पीछे है, वो वार्ड नंबर 18 के अंदर, कोई इसकी सुनाई नहीं करता है। जलदाय विभाग का हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया और सुनाई नहीं कर रहा है। जिस डाल के अंदर मकान है वो सब परेशान है, कोई भी इस चीज़ की सुनाई नहीं कर रहा है। आपका नाम? मैं शंकरलाल जांगिड़।